हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल लर्न ए स्टोरी। टुडे वी विल लर्न ए स्टोरी। टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द टेस्टी क्रो। टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द टेस्टी क्रो। चिल्ड्रन, आज मैं आपको एक स्टोरी लर्न करवाती हूँ। टेस्टी क्रो, प्यासा कौवा। दिस इज योर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन बुक। इन दिस बुक यू हैव लर्न टू स्टोरीज। ओपन पेज नंबर 7। द फर्स्ट टर्म एग्जाम वी विल लर्न द फर्स्ट स्टोरी द टेस्टी क्रो। हमारा फर्स्ट टर्म एग्जाम में हमको एक ही स्टोरी याद करना है। नेम ऑफ द स्टोरी द टेस्टी क्रो। द टेस्टी क्रो। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू रीड द स्टोरी। आज मैं आपको ये स्टोरी कैसे आपको रीड करना है उसके लिए सिखा लर्न करवा दूंगी। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो द एक्शंस फॉर दिस स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो में मैडम जी एक्शन के साथ स्टोरी सेंड करूंगी। Then let us start, children. I will show you some pictures related to this story. I will show you some pictures related to this story. इस स्टोरी के कुछ पिक्चर्स मैडम जी आपको शो करेंगे। इधर आप लोगों को इधर देखे वो स्टोरी लर्न करना है। फर्स्ट आई विल रीड द स्टोरी एंड एक्सप्लेन इट। पहले मैं रोडी स्टोरी आपको रीड करवाएंगे, उसके बाद उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। द टेस्टी क्रो, प्यासा कौवा। क्रो मीन्स कौवा। A crow was feeling very thirsty. She could not find water anywhere. Suddenly, she came across a jar, but it was half full of water. She could not reach the water. So, she thought of a plan. She picked up some stones and put them into the jar one by one. The water came up. She drank the water and flew away happily. The tasty crow, pyasa kauwa. A crow was feeling very thirsty. A kauwa bahut pyasa tha. बहुत प्यास प्यास लगते थे। हम क्या करते हैं, हम क्या ढूंढते हैं, पानी ढूंढते हैं। एक क्रो वाज फीलिंग वेरी टेस्टी, एक कौवा बहुत प्यासा था। शी कुड नॉट फाइंड वाटर एनीवेयर, इनको कैसे भी पानी नहीं मिला। वो हर जगह पानी के लिए ढूंढा, इनको कहीं भी पानी नहीं मिला। सडनली शी केम अक्रॉस ए जार, अचानक ये एक जार के सामने आ गई। बट इट वॉज हाफ फुल ऑफ वाटर, बस इस जार में थोड़ा सा पानी था। शी कुड नॉट रीच द वाटर, उसको अपना चोंच से वो पानी जाके पी नहीं सकती थी, वो पानी नीचे था। सो शी थॉट ऑफ ए प्लान, तो वो कौवा एक उपाय सोच लिया था, ये पानी कैसे भी मुझे पीना है। इसके लिए सो शी थॉट ऑफ ए प्लान। शी पिक्ड अप सम स्टोन्स, क्या किया था, आसपास कुछ पत्थर पड़ी थी, वो कौवा ने पत्थर उठा लिया। एंड पुट दम इनटू द जार वन बाय वन, एक एक करके वो जार के अंदर डाल दिया था। द वाटर केम अप, पत्थर एक एक करके डाल दिया तो नीचे से पानी ऊपर तक आ गई। द वाटर केम अप।
She drank the water and flew away happily. पानी ऊपर तक आ गया, कौवा पानी पी के बहुत खुशी से उड़ के चला गया है। आप सबको ये स्टोरी पसंद आई? तो मैडम जी कुछ पिक्चर्स शो करेंगी। वो पिक्चर किसके लिए? आई विल शो यू सम पिक्चर्स रिलेटेड टू दिस स्टोरी। इस स्टोरी के रिलेटेड मैडम जी कुछ पिक्चर्स दिखा देंगी। लुक एट दिस पिक्चर चिल्ड्रन। विच पिक्चर इज दिस? पिक्चर ऑफ ए क्रो। क्रो मीन्स कौवा। एक कौवा की पिक्चर है ये, एक क्रो की पिक्चर। हमारा स्टोरी में क्या था? स्टोरी में क्या था? एक क्रो वाज फीलिंग वेरी टेस्टी। एक क्रो बहुत प्यासा था। शी कुड नॉट फाइंड वाटर एनीवेयर। कहीं भी इनको पानी नहीं मिला। सडनली शी केम अक्रॉस ए जार। अचानक ये एक जार देखा, एक मटका देखा। बट इट वॉज हाफ फुल ऑफ वाटर। इसमें पानी बहुत कम था। आपको दिखाई दे रहे हैं, लुक एट दिस पिक्चर। देखो इस मटका में थोड़ा सा पानी था। कौवा उधर से देख रही है, पर शी कुड नॉट रीच द वाटर। इसको पानी तक नहीं पहुंच पाई, इनका चोंच पानी तक नहीं पहुंचा। सो शी थॉट ऑफ ए प्लान। इन्होंने एक उपाय सोचा था। शी पिक्ड अप सम स्टोन्स एंड पुट देम इनटू द जार वन बाय वन। आसपास ये पत्थर देखा है आपने, स्टोन्स। ये पत्थर देखा, ये कौवा ने क्या किया था? ये पत्थर उड़ा के अपने चोंच से पत्थर उड़ाया, फिर कहां डाल दिया? ये जार के अंदर, ये मटका के अंदर डाल दिया। पहले एक डाला, फिर दोबारा दूसरा डाला, तीसरा डाला। ऐसी कुछ पत्थर डालने के बाद क्या हुआ था? द वाटर केम आउट। एक एक देखो पत्थर डाल रही है इसमें। पहले इतना पानी था, फिर इन्होंने पहले ये जार में देखो, आप लोग सबको उधर दिखाई दे रहे, ये इधर डाल दिया पत्थर अपने चोंच से, फिर इधर भी डाला तो थोड़ी सी पानी आ गई ऊपर तक। बाद में क्या था? एक एक करके इन्होंने पूरी पत्थर इसके अंदर डाल दिया, तो पानी कहां तक आ गई? आपको दिखाई दे रहे इधर, पानी ऊपर तक आ गई। तो कौवा ने क्या किया था? पानी पी के खुश होके चला गई। ये पिक्चर देखे तो आपको समझ में आया। देखो इधर भी, लुक एट दिस पिक्चर। देखो पहले ये जार दिखा रही है, ये विच बेड इज दिस? दिस इज ए क्रो, एक कौवा। ये वो अपने चोंच से इस जार के अंदर पत्थर डालती है, पत्थर डाल के इसको वो पानी ऊपर तक आएगा तो इनको वो पानी पीना है। इसके लिए वो ये काम कर रहे। तो आपको सबको याद गया है, पर एक और बार इस स्टोरी से हमको कुछ लेन करना है। क्या लेन करना है? व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? इस स्टोरी से आप लोगों को क्या सीखने के लिए मिलता है? वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे। क्या था? वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे। उसका मतलब क्या है? जहां छाप होती है वहां राह होता है। जहां छाप होती है वहां राह होता है। आपको कोई काम करने के लिए इच्छा हो वो हमको रास्ता दिखा देता है। आप लोग अभी कुछ लोग पढ़ने में इच्छा नहीं करते हैं, आपको चाह नहीं होती है पढ़ने के, पर आप मन में लिखा दो हमको पढ़ना है, हमको नेक्स्ट मंथ हमारा पेपर है उसमें हमको मार्क लेना है। ऐसे सोच के आप काम करेगी तो आपका रास्ता भी मिल जाएगी। कैसे लेन करने आपको इच्छा भी हो जाते है, कैसे इसी लेन करने का रास्ता भी दिखाएगा। तो आप लोग भी ये क्रो की तरह अपना काम में अच्छा सा रास्ता देखना है। अच्छा सा चाह है तो अच्छा सा रास्ता भी मिल जाएगा आपको। अभी मैडम ये आप लोगों को लेन करवाएंगी। ए क्रो वास फीलिंग वेरी टेस्टी। फर्स्ट लाइन क्या है? ए क्रो वास फीलिंग
very thirsty. She could not find water anywhere. She could not find water anywhere. Suddenly, she came across a jar. Suddenly, she came across a jar. But it was half full of water. But it was half full of water. She could not reach the water. She could not reach the water. So she thought of a plan. So she thought of a plan. She picked up some stones and put them into the jar one by one. She picked up some stones and put them into the jar one by one. The water came up. The water came up. She drank the water and flew away happily. Children, look at this book. A crow was feeling very thirsty. She could not find water anywhere. Repeat after me, children. She could not find water anywhere. Suddenly, she came across a jar. But it was half full of water. Madam ji, kya karenge aapko? First, ye water tak. A crow was feeling very thirsty. She could not find water anywhere. Suddenly, she came across a jar. But it was half full of water. ये three line आपको पहले याद करना है. ये वाली line बाद में. ये three line याद करेगी. मैडम जी अपना वीडियो से आपको उसका एक्शन भी सेंड करेंगी कल. तो आप लोगों को पहले ये याद करो, फिर एक्शन के साथ मैडम ये सिखाएंगी. A crow was feeling very thirsty. She could not find water anywhere. Suddenly, she came across a jar. But it was half full of water. इतना ये three लाइन आपको पहले लर्न करना है. Children, I hope everyone have understood and like this story. Very good. We will learn this story's three line today. आपको आज ये लाइन की थ्री लाइन स्टोरी लर्न करना है. टेक केयर. थैंक यू. बाय.